الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुरूद शरीफ पढ़े اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں عزیز بچوں دور دراز سے سننے والی میری لاڈلی ماں اور بہنوں مجھ سے پہلے آپ کے اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قبلہ دامت برکاتہم اور حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے دین کی خوبصورت باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا
अल्लाह पाक हम सबको बस अमल की तौफीक अता फरमाए। अब चूंकि आखिरी नंबर मेरा है और हमें आपको जगाना है सेहरी तक, हरी रात और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिला दिया, अब सेहरी तक आप हजरात को जगाना है, अब फैसला आपको करना है कि हमें सेहरी कितने बजे करना है। क्योंकि हमारा वाला सेहरी अगर आप करोगे तो 5 मिनट काफी है, सेहरी खत्म होने से 10 मिनट पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठता हूँ और 3 खजूर खाया, 1 गिलास पानी पिया और फिर 10 मिनट सो गए, तो मेरी सेहरी के लिए तो 5 मिनट काफी है। आपकी सेहरी के लिए अल्लाह ना करे 5 घंटा भी, बहरहाल आज मैं चूंकि आखिरी तकरीर करने के लिए आपके इस शहर हिंदूपुर में आया हूं और जैसा कि आप हजरात का मिजाज है कि रमजान के अलावा तो कभी बुलाया नहीं जाता है, गुनाह समझते हैं, तो फिर अगले रमजान में, अब बीच में अगर कोरोना वगैरह आ गया तो अल्लाह ही खैर करे, कौन जिएगा कौन, क्योंकि जो जो वैक्सीन लगवाया है सब पहले मर रहा है। तो मैंने सोचा कि आपकी इस मोहब्बत के बदले और 12 साल की जुदाई के बावजूद जिस मोहब्बत का नजराना और जिस मोहब्बत का तोहफा आपने दिया, बूढ़े लोगों ने दिया, जवानों ने दिया, बच्चों ने दिया, औरतों ने दिया, बच्चियों ने दिया, उस मोहब्बत के बदले मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं दे सकता कि अल्लाह के दीन की चंद बातों का खूबसूरत मोती आप हजरात को देकर चला जाओ। चूंकि कई लोगों ने मदीना मस्जिद के प्रोग्राम के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि मौलाना पैगंबर आजम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की दास्तान सुना दीजिए, बहुत जमाना हो गया आपसे सुने। तो आज यही कुछ सोचकर मैं आया हूं कि हम जिस नबी के गुलाम हैं, हम जिस नबी के इश्क में मरते और जीते हैं, है ना, तो कितना जल्दी मुंडी हिला रहा, नबी के इश्क में जीने वाला दाढ़ी कटाएगा भाई? नबी के इश्क में जो जीता होगा वो दाढ़ी कटाएगा? या कटाना तो दूर की बात है, 3 मर्तबा ब्लेड मारा जा रहा है, पता चला इश्क में कमी है, इंशाअल्लाह वो भी कमी अल्लाह दूर फरमा देगा, कहो इंशाअल्लाह। अब जो जो दाढ़ी रखे हैं वो लोग क्यों कह रहे हो, जो नहीं रखे वो सब कहो इंशाअल्लाह। उस नबी की विलादत जिस नबी के हम सब गुलाम हैं, जिस नबी के नाम पर हम अपनी गर्दन कटवाने को हर बात हो नहीं हो,
उस नबी की मोहब्बत में हमारी गर्दन का कोई माना है, कोई मतलब है? हम जैसे करोड़ों गर्दन है उस नबी की जूतियों पे कट के अगर गिर जाए तो ये बहुत मामूली सी बात है। नबी की विलादत, नबी की पैदाइश, नबी क्या बर्थडे सब जानते हैं। 12 रबीउल अव्वल को बोलते हैं, हालांकि ये गलत है। 8 रबीउल अव्वल को विलादत हुई है। कब हुई है? अब आज तक आपने क्या सुना था? बोलो ना जोर से, क्योंकि हम आज कितना जबरदस्ती बयान कर रहे हैं वो हम जानते हैं या माइक जानना है। सबको क्या पता है 12 बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। मेरे नबी की विलादत यानी मेरे नबी की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई है और वफात 12 रबीउल अव्वल। अब हमको फोन आएगा आज के बाद जब हम यहां से जाएंगे तो फोन आएगा हमको, मौलाना क्या क्या बात आप करते रहते हो खामखा का, आज तक सुना 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश आप 8 बोल के आ गए, तो कोई वीडियो क्लिप भेजेगा देखिए इस वीडियो में मौलाना बोल रहे हैं 12 रबीउल अव्वल, कोई कुछ भेजेगा कोई। हम उससे कहते हैं अल्लाह के बंदे ये मौलाना 12 बोल रहा है तो उससे पूछो ना कि हदीस दिखाओ, उससे पूछो हदीस दिखाओ। मैं 8 रबीउल अव्वल बोल रहा हूं, मुझसे मांगो दलीलें। मैं अगर ना दूं तो ना मानो और अगर दे दूं तो मानो। वफात तय है कि आप दुनिया से गए 12 रबीउल अव्वल को, लेकिन आप दुनिया में तशरीफ लाए, जो सबसे मजबूत बात है वो ये कि 8 रबीउल अव्वल। तो नबी की विलादत से पहले आपके दुनिया में आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके नूर को पैदा किया, और नूर नाम है रूह का। नूर किसका नाम है? नूर नजर आती है और रूह नजर आती है नहीं? तो आप जिस्मानी एतबार से आपकी विलादत बाद में हुई 8 रबीउल अव्वल को, लेकिन आपका नूर आपसे पहले पैदा हुआ है। अब बताओ नूर की विलादत सुनोगे या नबी की विलादत सुनोगे? दोनों तो नहीं हो सकता, दोनों सुनाने के लिए इफ्तार भी यही करना पड़े। हाँ, जिस्मानी विलादत बाद में, रूहानी विलादत पहले। जिस्मानी विलादत का पता है कि अब्दुल्ला के बेटे हैं, आमना के पेट से पैदा हुए, मक्के में पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुए और 8 रबीउल अव्वल को। लेकिन आपके नूर को कब पैदा किया गया ये हमको भी नहीं मालूम और दुनिया के किसी मौलाना को भी नहीं मालूम। आपका नूर पैदा कब किया गया ये किसी को नहीं मालूम। अब दुनिया की किसी किताब के अंदर ये लिखा हुआ भी नहीं है
कि आमना के लगते जिगर के नूर को अल्लाह ने कब पैदा किया? जब किताब में लिखा ही नहीं है तो हमें क्या मालूम? तो हम क्या बताएं कि साहब सरवरे कायनात की विलादत कब हुई है? हम नहीं बता सकते। हाँ, अलबत्ता हदीस के अंदर एक जुमला आया है, एक रिवायत आई है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्राइल आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, उम्र का पता तो नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है। उम्र का पता नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है। हाँ, अलबत्ता एक बात मुझे याद है। क्या? फरमाया कि चौथे आसमान पर एक सितारा निकलता है 70,000 साल में एक मतलब। कितने दिन में? जिब्रील अमीन ने फरमाया कि मैंने अपनी आंख से उस सितारे को देखा है 72,000 मरतब। अब लाओ कैलकुलेटर, करो हिसाब। चौथे आसमान के पर्दे में एक सितारा निकलता है 70,000 साल में एक मर्तबा, और जिब्रील अमीन कहते हैं कि मैंने अपनी आंख से उस सितारे को देखा 72,000 मर्तबा। अब आगे का जुमला सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल उस रब की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, वो सितारा कोई और नहीं, मेरा नूर था। वो सितारा कोई और नहीं। अब बताओ कि मेरे नबी के नूर को अल्लाह ने कब पैदा किया? जिब्राइल ने देखा 72,000 मरतबा, तो वो तो देखा था ना, और न जाने वो नूर था कब से, ये किसे मालूम। मिसाल के तौर पर हमने निंकम पल्ली जामिया मस्जिद को आज देखा, कल देखा, परसों देखा, तरसों देखा, तो हम कहेंगे कि भाई इस मस्जिद की उम्र क्या है ये तो मालूम नहीं, लेकिन हमने देखा है 10 मरतब। इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये मस्जिद 10 साल से, ये मतलब है। जिब्रील अमीन क्या कह रहे हैं कि एक सितारा निकलता है 70,000 साल में एक मर्तबा चौथे आसमान पर, और मैंने अपनी आंख से उस सितारे को देखा है 72,000 मरतबा। मेरे आका ने फरमाया कि जिब्राइल उस रब की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, वो सितारा कोई और नहीं, मेरा नूर है। तो अंदाजा होगा आपको कि मेरे नबी के नूर को अल्लाह ने कब पैदा किया। कौन हिसाब करके बताएगा? अलबत्ता अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया और उनके अंदर रूह डाली। अच्छा, आप जानते हो कि अल्लाह ने आदम को किससे बनाया है? थोड़ी मदद करो ना, तुम बोलोगे तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। किससे? हिंदूपुर की मिट्टी से या बेंगलोर की मिट्टी से? कहां की मिट्टी से? अब नहीं बोलोगे। हदीस में आता है कि पूरी दुनिया से, उसमें तमिलनाडु भी था, आंध्रा भी था, केरला भी था, कर्नाटक भी था,
बिहार भी, बंगाल भी, इंडिया भी, पाकिस्तान भी, अमेरिका भी, अरब भी, श्रीलंका भी, पूरी दुनिया से अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजकर पहले मिट्टी जमा करवाया है पहले। और इसकी दलील क्या है, इसकी दलील क्या है? हिंदूपुर की मिट्टी का कलर क्या है जी? बोलो, अजीब हालत लग रहा, पाकिस्तान से आया हो। हिंदूपुर की मिट्टी का कलर लाल, मद्रास की मिट्टी का कलर ए लाल का है, कैसा है? काला। बिहार की मिट्टी का कलर गोरा, हट, कैसा है? गोरा। महाराष्ट्र की मिट्टी का कलर काला, कहीं मिट्टी का कलर लाल है, कहीं की मिट्टी का कलर काला है, कहीं की मिट्टी का कलर सफेद है, कहीं की मिट्टी का कलर न काला है, न लाल है, न गोरा है, बल्कि बीच का है। ये बता रहा है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया से सही में मिट्टी जमा करके आदम को बनाया, वरना अगर सिर्फ हिंदूपुर की मिट्टी से आदम को बनाता तो आदम का सब बेटा बेटी लाल पैदा होता, होता नहीं होता, कैसा होता? सब लाल। लेकिन हर आदमी लाल है? कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लाल है, कोई हल्का लाल है, कोई गहरा लाल है, कोई बहुत सफेद है, कोई थोड़ा सफेद है। ये बता रहा है कि अल्लाह ने आदम को पूरी दुनिया की मिट्टी इकट्ठा करके बनाया। बात समझ में आ गया? हम यहां वहां की बात नहीं करते हैं, जमील मौलाना नाम है हमारा, अच्छा याद रखोगे। तुम्हारी खोपड़ी की आखिरी हड्डी तक जब तक बात समझ में ना आए बोलते रहो कि हम नहीं समझ पाए, हम बगैर समझाए इंशाल्लाह नहीं जाने वाले। समझ गया ना? पूरी दुनिया की मिट्टी को अल्लाह ने पहले जमा किया और फिर पूरी मिट्टी को मिलाया, फिर उस मिट्टी को सुखाया। जब वो मिट्टी टन टन बोलने लगी, करेक्ट, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उस मिट्टी को तोड़कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का स्टैचू बनाया, मुजस्समा बनाया। मुजस्समा बन करके तैयार खड़ा है बिल्कुल। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पांव की तरफ से उसमें रूह डाला। कहां से रूह डाला? कहां से डाला? क्यों? इधर से डाल देते, मुंह से डाल देते, नाक से डाल देते, नहीं। हमारा रब इंसाफ करने वाला है। कैसा है? कैसा है? अल्लाह ने कहा कि जहां से इंसान के अंदर जान डालूंगा वहीं से जान निकालूंगा, जहां से डालूंगा वहीं से। तो पांव की तरफ से रूह डाली गई और रूह निकलती कहां से? अरे बोलो, कहां से? इधर से जान डाल देता और इधर से अगर रूह निकलता तो एक सेकंड भी मौका मिलता बीवी बच्चा को देखने का? अरे वो तो पांव से रूह निकलते हुए आता है कि जल्दी जल्दी कुछ बीवी बच्चों को समझा देता है आदमी, हे अब मैं जीने वाला नहीं हूं, देख पांव का जान खत्म हो गया, अब घुड़गे पे आ गया है, यहां पे आकर के रूह को रोक देता है अल्लाह ताला। क्या करता है? रुक, ब्रेक लगा देता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा और बात बात कर लेता है, यहां से नीचे की जान थोड़ी बात बात कर लिया, फिर इसके ऊपर आता है, फिर आते आते कमर के ऊपर जहां पर ज्वाइंट है ना वहां पे लाकर अल्लाह रूह को रोक देता है ताकि तौबा कर ले, क्या करे, कलमा पढ़ ले, कुछ तो कर ले, क्योंकि इसके नीचे की जान जा चुकी है, ये बात तय हो गई कि अब इसमें जान नहीं है।
उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है तो हलक में आकर के रूह को अल्लाह रोक देता है, रुक जा। तो उस वक्त आदमी हिचकी लेता है, ये जो करता है ना, वो गले में रूह को अल्लाह फंसा देता है और वो कांटे की तरह चुभता रहता है, अभी भी पूरी जान निकली नहीं, आंख से देखता रहता है, हिचकी ले रहा है, यहां से नीचे जान चली गई, हिचकी ले रहा है मगर आंख से देख रहा है। खुदा ना खास्ता अगर इधर से अल्लाह जान डालता और इधर से रूह निकालता तो बताओ कोई काम आता? अल्लाह को मानते हो ना, अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, बात समझ गए? हाँ। तो मुजस्समा बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुझे देखो, गौर से देखो, किसे देख रहा हूं? हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने अगर तुमको आंख दिया है तो चार चीज देखा करो। कितनी चीज? चार चीजें देखा करो। वो चार चीज क्या है आप बताओगे? 500 रुपया इनाम, ये देखो कितना कड़क है, कितना? 500 रुपया इनाम मौलवी की कमाई है, याद रखो, और हम ताबीज फलीता नहीं करते, ये भी याद रखो। तिजारत करते हैं, मेहनत का रिस्क अल्लाह देता है। हम छू छा करके, इधर मारा छू 51 रुपया दू, उधर मारा छू 100 रुपया दू, ये काम हमारा नहीं। मेहनत का 500 रुपया देके बताओ वो चार चीजें क्या है? नहीं बताओ? हम बताएं, 5000 दोगे पक्का? यहीं पर क्रेडिट नहीं कैश। इमाम गजाली ने फरमाया कि अल्लाह ने अगर आंख दिया है तो चार चीजें देखा करो। नंबर एक, रौज़े रसूल अल्लाह, रौज़े। नंबर दो, कलामुल्लाह। नंबर तीन, बैतुल्लाह। और नंबर चार, अहलुल्लाह। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? नंबर एक, रौज़े रसूलुल्लाह। नंबर दो, कलामुल्लाह यानी कुरान। नंबर तीन, बैतुल्लाह। नंबर चार, अहलुल्लाह। और अहलुल्लाह किसे कहते हैं? हदीस में आता है कि अहलुल्लाह उसे नहीं कहते जो सारी रात तहज्जुद पढ़ता हो, अहलुल्लाह उसे नहीं कहते जो खूब खैर खैरात करता हो, अहलुल्लाह उसे नहीं कहते जो हर साल हज को जाता हो, अहलुल्लाह उसे नहीं कहते जो 30 रोजा रखता हो। फरमाया अहलुल्लाह उसे कहते हैं जिसका चेहरा देखकर अल्लाह याद आए। और जिसका चेहरा देख करके शैतान याद आए। अच्छा, ईमानदारी की बात बोलो, सच्ची बात बोलो, ये जितना मजार पर बैठा रहता है, मजार पे 10 अंगूठी, इसमें 10 अंगूठी, इतने मोटे हार कान गले में, अब थोड़ा अंधेरा हो मजार के पीछे जाके देखो तो कब्र पे बैठ कर, और अमामा आए हाय, हम तो कुछ भी नहीं बांधे, वो जुबा, वो सदरी, वो अमामा, वो अंगूठी, इतना मोटा मोटा पत्थर वाला, 5 इसमें और 5 इसमें, इसको देख करके अल्लाह याद आता है कि शैतान याद आता है? बोलो, कौन याद आता है? अब फिर भी उसी मजार पे जा करके आप लोग खड़े रहते हो, मन्नत मानते हो, चिल्ला करते हो, ताला डालते हो, ताला खोलते हो, कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना। अब अल्लाह के घर में बैठे हो, झूठ
कितना शब कदर है। मुझे आपने जो देखा तो क्या याद आया, झूठ नहीं सच बोलो, क्या याद आया? आया नहीं आया? जिनको नहीं आया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम अल्लाह के वली हैं, अहलुल्लाह हैं, यह भी बता देते हैं, नहीं तो कल पूरे हिंदूपुर में खड़े होकर डंका पीटना, मौली जमील कह रहा था मैं अहलुल्लाह हूं, मैं अहलुल्लाह हूं, मैं अहलुल्लाह। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जिसे देख कर अल्लाह याद आ जाए वो जाहिल भी कोई हो सकता है, वो कोई शराबी भी हो सकता है। जिसने रात को सच्ची तौबा किया होगा, अल्लाह सुबह होते होते उसके गुनाह की गंदगी खत्म करके उसके चेहरे पे नूर बरसा देगा, फिर तुम उसको देखोगे तो अल्लाह याद आ जाए। रौदाए रसूलुल्लाह को देखो, कलामुल्लाह को देखो, बैतुल्लाह को देखो, अहलुल्लाह को देखो। इनमें से तीन चीज तो आपको यही मिल जाएगा, मगर एक चीज के लिए आपको मदीने जाना पड़ेगा। कलामुल्लाह मिलता नहीं मिलता तो उसको देखना कोई बड़ा मसला है, और बैतुल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह के घर को, तो मस्जिद है कि नहीं है। और अहलुल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह के दोस्तों, वो भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम इन तीन चीजों को देखा करो, मोहब्बत से देखा करो, गौर से देखा करो, तो क्या होगा? आंख का हक अदा हो जाएगा। क्या होगा? लेकिन हम क्या देखते हैं? ब्लू फिल्म, नंगी तस्वीर, तीन तीन घंटे की फिल्म, और मोबाइल से जब दिल नहीं भरा तो रोड पर निकलकर किसी की माँ को, किसी की बेटी को, किसी की बहन को वहां तक देखते हो जहां तक आंख काम करती है। बताओ, आंख के साथ ये बेईमानी नहीं? अल्लाह ने आंख किस लिए दिया था? मेरे नबी के रोजे को देखो, मेरे कुरान को देखो, मेरे घर को देखो, मेरे दोस्त को, यानी अल्लाह वालों को देखा करो। तुम देखते क्या हो? गंदी फिल्में, नंगी तस्वीरें, ब्लू फिल्म, तीन तीन घंटा नेट के ऊपर बैठ करके, और इससे भी दिल नहीं भरा तो कॉलेज के बाहर जाकर खड़े हो जाते हो किसी की बेटी को देखने के लिए। ये किसके साथ इंसाफ नहीं है? क्या ये बेईमानी? क्यों बेईमानी है? किसने दिया था ये? तो इंसाफ करते तब जब वो काम करते, लेकिन जब तुमने आंख का इस्तेमाल गलत किया तो फिर क्या हुआ? आंख के साथ बेईमानी हो गई। आंख के साथ अब आज के बाद इंसाफ करोगे या बेईमानी करोगे? पक्का शबे कद्र है, जो बेईमानी आंख से हुई है तौबा कर लो, अल्लाह ताला नाराज नहीं है आपकी। देखो, जब तक सांस चल रही है अल्लाह माफ करने के लिए बैठा हुआ। सारी कायनात का दरवाजा जब बंद होता है अल्लाह का दरवाजा खुल जाता है, तौबा का दरवाजा खुल जाता है। तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह ने वो नूर जो पता नहीं कब बनाया, उस नूर को अल्लाह ने उठाया आसमान से और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी में रख दिया। कहाँ रखा? मैं काम कर रहा हूं, मोदी साहब का नहीं काम कर रहा है, वो मैं काम खाली अंदर का, ये ऊपर का है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बना दिया
तो बनाने के बाद वो नूर जो पता नहीं अल्लाह ने कब पैदा किया था, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में डाल दिया। कहाँ डाला? उस पेशानी में नूर के आने की वजह कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत हो गए, इतने खूबसूरत हो गए, पूछो ही बेइंतहा खूबसूरत। बहुत परेशान कर रहा बेइंतहा। जब आंख खुली आदम अलैहिस्सलाम की, हाथ पांव में जान आया, बोलने लगे, तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम जरा अपनी अखियां उठाकर ऊपर देखो, अपनी आंख उठाकर ऊपर देखो। दूर यार, सब तो वैसे ही है, दिखा दे। आंख उठाकर ऊपर देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी आंख उठाई तो देख करके दंग रह गए। क्या? कि आसमान के पर्दे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। हैरान रहने लगे, दंग हो गए, कहने लगे ओ परवरदिगार आलम सबसे पहला इंसान मैं हूं, सबसे पहले आपने मुझे पैदा किया, सबसे पहला इंसान आपने मुझे बनाया, लेकिन ये तो बता कि आसमान के पर्दे पर तेरे नाम के साथ ये मोहम्मद कौन है? तेरे बाद दूसरा कोई नहीं, तूने अपने दस्ते मुबारक से सबसे पहला इंसान मुझे बनाया, लेकिन ये तो बता ये तेरे नाम के साथ मोहम्मद कौन आ गया? अल्लाह पाक का जवाब सुनो, ऐ मुसलमानों फिर अपने मुकद्दर पे फखर करो। अल्लाह पाक ने फरमाया आदम ये मोहम्मद वो है जिसको पैदा करने का अगर मेरा इरादा ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। ये जो मोहम्मद है मैंने इरादा किया है, इसे दुनिया में भेजने का इरादा बनाया है, इसे दुनिया में पैदा करने का इरादा बनाया है, इसीलिए मैंने इसके सदमे में तुझे बनाया। और आगे का जुमला सुनो, अल्लाह पाक ने फरमाया बस इतना नहीं कि इसे पैदा करूंगा, ओ आदम गौर से सुन ले ये बेटा तेरा होगा लेकिन सरदार तेरा भी होगा। अल्लाह मियाँ ये कब आएगा, ये किसके बाद आएगा? फरमाया के सुनो ये सबसे आखिर में आएगा, ये सबसे बाद में आएगा, लेकिन सारे आने वालों का सदर होगा, सारे आने वालों का सरदार होगा, सारे आने वालों का इमाम होगा। अल्लाह मियाँ हमारे बाद न जाने कितना जमाना गुजर जाएगा, मेरे सामने आएगा ये? कहा नहीं। मूसा के मौजूदगी में आएंगे? नहीं। इब्राहिम के सामने आएंगे? नहीं।
दाऊद के सामने आएंगे? नहीं। इस्माइल के सामने आएंगे? नहीं। ईसा के सामने आएंगे? नहीं। सब के बाद, सब के जाने के बाद आएगा। तो फिर इमाम कैसे बनेगा? कहा कि इंतजाम करना, फरमाया कि इरादा तू कर ले, इंतजाम हम कर देंगे। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अमानत है इबादत करना। फरमाया कि मुक्तदी बनने का इरादा आदम तू कर, और इमामत कराने का प्रोग्राम मैं बना देता हूं। फरमाया अल्लाह मियां मेरा पक्का इरादा है, मैं चाहता हूं कि तेरे लाडले के पीछे नमाज पढ़ू, मैं चाहता हूं कि तेरे लाडले की इब्तिदा में। बोलो, अरे मेरा नबी सारे नबियों का इमाम, मेरा नबी और मेरे नबी की उम्मत सारी उम्मत की इमाम। नबी सारे नबियों का इमाम और इस नबी की उम्मत सारी उम्मत की। बोलो ना, नहीं बोलोगे तो फिर इमाम साहब को कैसा रहनी चाहिए? सारी उम्मत से अच्छी रहनी चाहिए कि नहीं? सारी उम्मत से अच्छे बन के रहनी चाहिए कि नहीं? हमें रहनी चाहिए ना, मगर हम लोग कैसे रह रहे हैं? अब हमको बोलेंगे तो मौजू खत्म हो जाएगा। आप लोग खुद ही समझ जाइए कि हमको अल्लाह ने जब सारी उम्मत का इमाम बनाया तो इमाम को किस तरह रहनी चाहिए है? आज मौलाना इरफान साहब आपकी मस्जिद का इमाम है, क्या है? इमाम है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल छोटी मार्केट के पास जाकर के तेलुगु फिल्म का पोस्टर ऐसे हाथ बांध करके देखने लगे, निकम पल्ली वाला कोई देख ले तो असर की नमाज पढ़ाने देगा? सच्ची बात बोलो, देखो झूठ मत बोलना, पढ़ाने देगा? क्या बोलेगा? इमाम होकर फिल्म का पोस्टर देख रहा था। तो आप जब इमाम हो तो आपको कैसा रहनी चाहिए? कैसा रहनी चाहिए? सबसे अच्छा बनकर के हमें रहना चाहिए, तो रहेंगे ना इंशाल्लाह। जिस तरह इमाम रहता है इसी तरह हम लोगों को भी इंसान बनकर, शरीफ बनकर, नेक बनकर के जिंदगी जीना है। अपनों के साथ भी, गैरों के साथ भी, बीवी के साथ भी, अम्मा के साथ भी, बेटी के साथ भी, बहन के साथ भी, भाई के साथ भी, बहनोई के साथ भी कैसे रहना है? इमाम बनकर के रहना है, शरीफ बनकर के रहना है। छोटी मोटी ऊंच नीच बातें होती रहती हैं, इससे किसी का घर बचा नहीं, लेकिन इसको जंग का मैदान मत बनाया करो। इमाम का काम ये नहीं होता है, आपस में मिल बैठ कर बात करके बात को खत्म करो। आज हम लोगों की हालत ये हो गई कि छोटी सी बात पर बातचीत बंद है, 10 साल हो गए बात नहीं हो रही। इस हालत में अगर मौत आई तो क्या होगा बताओ? इसलिए ऐसा मत किया। तो फरमाया कि नमाज पढ़ने की नियत आप कर लो, मुसल्ला हम बिछा देंगे और इमामत का इंतजाम हम करा देंगे। कहा अल्लाह मियां कैसे? कहा कि बस देख, बुला लिया मेराज में। बोलो ना सुभान अल्लाह, तो बोल दो, कम से कम हिंदूपुर तक तो आवाज चला जाए। बुला लिया मेराज में। अच्छा, अल्लाह ने जो मेरे आका को आसमान पर उठाया तो कहां से उठाया? कहां से उठाया? फलस्तीन में जो बैतुल मक़दिस है, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा तक किससे ले गया? बुर्राक पे बैठा करके, मस्जिद हराम से यानी बैतुल्ला से फलस्तीन तक
मस्जिद अक्सा तक ले गया, कैसे? बुर्राक पे बैठा करके, और मस्जिद अक्सा से सीढ़ी लगाकर उठाया आसमान पर। क्या अल्लाह ताला मक्के से डायरेक्ट नहीं उठा सकता था? वहां क्यों बुलाया? वहां क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि फलस्तीन जो है ना, फलस्तीन जहां मस्जिद अक्सा है ना, तकरीबन अक्सर नबी की पैदाइश वहीं हुई, अक्सर। और अक्सर अंबिया की कब्र भी वहीं है। तो नबी जब मस्जिद हराम से चले मस्जिद अक्सा के लिए, अब अल्लाह ने ऐलान किया, आदम, मूसा, इब्राहिम, ईसा, दाऊद, नूह, यूनुस, अय्यूब, ज़करिया, यहया, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो मस्जिद अक्सा में चलो, वहां जाकर के इकट्ठे हो जाओ। सारे नबी आ गए, सारे नबी। अल्लाह ने क्या कहा था? नियत तू कर ले, मुसल्ला हम बिछवाते हैं। सारे नबियों को बुलाया और उसके बाद फरमाया जिब्रील अमीन अजान दीजिए। जिब्रील अमीन ने असर की अजान दी है। अब नमाज का टाइम हुआ ना, तो सफ में सारे नबी खड़े, सारे नबी खड़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम पीछे खड़े हैं। लाडले हैं ना सबके, क्या है सबके? सबके लाडले, तो लाडले हैं, सबसे अखीर में खड़े। अल्लाह अकबर और कबीरा, जिब्रील अमीन पीछे गए, आमना के लगते जिगर का हाथ पकड़ा, फरमाया के चलिए अजान तो हो चुकी है, वो काम मैंने कर दिया, अब इमामत आप करो। फरमाया जिब्राइल आप फरिश्तों के सरदार हो, इमामत तुम करो। फरमाया इजाजत नहीं। अच्छा, हमारा बाबा आदम मौजूद है, उसको कह दो सबका अब्बा है, इमामत करे। हजरत आदम ने कहा आज मेरी हिम्मत नहीं। ओ मूसा, आप तो अल्लाह से बड़ा प्यार करते थे, आपसे अल्लाह तो बात किया करता था, आप तो कलीमुल्ला हो, आप इमामत कर दो। फरमाया के मोहम्मद अरबी के रहते हुए रब की कसम, मुसल्ले पर जाने की इजाजत किसी को नहीं। जिब्रील अमीन ने आगे बढ़ाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, तमाम नबी पीछे खड़े। उसी वक्त अल्लाह ने फरमाया, क्या ख्याल है कलीमुल्लाह, क्या ख्याल है रूहुल्लाह, क्या ख्याल है सिद्दीकुल्लाह, क्या है हमारे मोहम्मद का मकाम? फरमाया कि ये तो इमामुल अंबिया है, नबियों का इमाम है। खैर, बात चली तो आ गए, वरना मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस सवाल के जवाब में कि अल्लाह सबसे पहला इंसान तो मैं हूं, मगर तेरे नाम के साथ ये मोहम्मद कौन है? फरमाया कि मोहम्मद वो है, अगर उसको दुनिया में लाना ना होता तो तुझे और फरमाया कि आदम सुनो, ये जो समंदर है ना, समंदर दुनिया में, इसको अगर लाना ना होता तो मैं समंदर भी ना बनाता। इशाद फरमाया कि आदम गौर से सुनो, अगर मोहम्मद को दुनिया में लाना ना होता, आसमान ना बनाता, आसमान को चांद से ना सजाता,
होता, सितारों की विलादत ना होती, सितारे ना चमकते, सूरज को रोशनी ना होती। अरे तकबीर। फरमाया कि इमामुल अंबिया को अगर लाने का इरादा ना होता तो मैं जमीन पे पहाड़ पैदा ना करता। हीरे जवाहरात मोती पैदा ना करता। फरमाया कि सुनो, अगर मोहम्मद को लाना ना होता तो अपने रब की कसम है, मैं गुलाब की पत्तियों को पैदा ना करता, उसको खुशबू ना देता। मैं दुनिया ना बनाता, दुनिया का रंगीनियत ना बनाता, दुनिया को सजाता नहीं, फूलों को खुशबू ना देता, ओ बुलबुल को चहचहाहट ना देता, मछलियों को हुस्न ना देता, दुनिया की कोई मखलूक मैं पैदा ना करता। अरे सबको पैदा किया है हलीमा के लाडले के सर पे। तुम कहते हो कि मोहम्मद कौन है? फरमाया कि सुन, मैं रब हूं। कौन हूं मैं? रब हूं। और जब से मैं हूं, मैंने अपने नूर से इस नूर को पैदा किया है। अपने नूर से इस नूर को पैदा किया, तो वो नूर आ गया था हजरत आदम की पेशानी में। कहां आ गया था? अच्छा, आप लोग कुछ थकवक तो नहीं रहे? और हरीरा पिला दे, बिल्कुल फ्रेश है ना एकदम। आदम की पेशानी में आ गया। अब इस नूर को आना था कहां? कहां आना था? हजरत अब्दुल्ला तक आना था ना इसको। अरे हजरत अब्दुल्ला तक आना था ना, इसलिए कि जिस्मानी अब्बा कौन है? हजरत अब्दुल्ला। अम्मा कौन है? हजरत हव्वा। या अल्लाह भाई, निकम पल्ली में हव्वा है, कैसा बउआ है? हजरत आमना। अरे हव्वा तो हजरत आदम की बीवी है, हम सब की अम्मा। तो नूर को आदम से आना था हजरत अब्दुल्लाह तक। और जब तक के कोई मर्द किसी औरत से मिलता नहीं, ये नूर ट्रांसफर होता नहीं। ये नूर, अरे बाप की कोई खूबी अगर बेटे में चाहिए तो मां से मिलना पड़ेगा या नहीं? बगैर मिले बाप की खूबी बच्चे में जाएगी? नहीं ना। तो अल्लाह ने निजाम बनाया हजरत हव्वा से हजरत आदम की विलादत के बाद, आपको तैयार होने के बाद, वो जो नूर आया था हजरत आदम की पेशानी में, जब हजरत आदम की मुलाकात हजरत हव्वा से हुई तो ये नूर चला गया वहां। कहां? बोलो ना, थोड़ा हम सुस्ताल हैं, बहुत परेशानी हो रही है। कहां गया नूर? तो हजरत हव्वा की पेशानी में नहीं गया, बल्कि उस मुलाकात से जो बच्चा होने वाला था उस बच्चे की पेशानी में चला गया था। मुलाकात से जो बच्चा होने वाला था उस बच्चे की पेशानी में चला गया, और उस मुलाकात से जो बच्चा हुआ है हजरत हव्वा को, उसका नाम है हजरत शीश अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? अब अगली बात सुनो। हजरत हव्वा को जब भी डिलीवरी हुई तो डबल बच्चा हुआ। कितना? तकरीबन 20 मरतबा या 23 मरतबा हजरत हव्वा को डिलीवरी हुई है, और हमेशा हुआ है डबल बच्चा, एक बेटा और एक बेटी।
लेकिन जिस वक्त मेरे नबी का नूर हजरत हव्वा के पेट में गया है, वहां पर जो बच्चा तैयार हुआ वो एक हुआ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। क्यों डबल होते तो क्या होता? फरमाया पेट में ही मारपीट शुरू हो जाती, अब दोनों की पेशानी में नूर चला जाता ना, तो फिर मामला तो बहुत बिगड़ जाता। अल्लाहु अकबर और कबीरा, उलमा ने लिखा है, साहिबे सीरत ने लिखा है, उस नूर की वजह कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा के पेट में खुदा की कसम ऐसे नजर आते थे जैसे आईना में तस्वीर नजर आती हो। पूरा पेट हजरत हव्वा का पानी की तरह चमकता था, आईने की तरह चमकता था, और वहीं पे हजरत शीश भी नजर आते थे और उनकी पेशानी का नूर भी नजर आता था। कितनी शान वाले नबी की उम्मत हो, कितने ऊंचे मकाम वाले नबी की उम्मत हो, अंदाजा लगाओ। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो फिर उस वक्त दुनिया में हजरत ईसा से ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं था। क्यों? इसलिए कि सब मेकअप करता था, क्रीम लगा के। हजरत शीश की पेशानी में नूरे नबूवत था तो मुकाबला कौन करे हजरत शीश का? कोई करेगा? और कोई करेगा? तो दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे उस वक्त हजरत शीश अलैहिस्सलाम। जब बड़े हुए तो हजरत आदम ने हजरत शीश से नसीहत की और फरमाया कि बेटा, मैं बाप होने की हैसियत से तुमको एक वसीयत करता हूं कि तुम्हें उस रब की कसम है जिसने आसमान और जमीन को बनाया कि बगैर निकाह के किसी औरत से मत मिलोगे, वरना ये नबूवत का नूर दाग लग जाए। क्या होगा? बगैर निकाह के अगर किसी औरत से मिलते तो फिर ये नूर नाजायज तरीके से मुंतकिल होता ना, गलत तरीके से वहां जाता ना। यही डर था हजरत आदम को कि ये नबी का नूर है, ए बेटे अपनी औलाद को भी नसीहत कर देना कि किसी गलत बगैर निकाह के किसी औरत से ना मिले, इसलिए कि ये नूर नबूवत है, नबियों के सरदार का नूर है। चुनांचे इस तरह यह सिलसिला चलता रहा, शादी होती रही, नूर मुंतकिल होता रहा, यहां तक के ये नूर आया हजरत आमीना तक। कहां तक? हजरत आदम से लेकर मर्दों में। देखो ये बात कोई नहीं बताएगा, ये जो जो पॉइंट की बात मैं बता रहा हूं ना, ये दूसरा शायद कोई आपको ना बताए, ऐसे पहले कभी सुना ये सब बात नहीं ना, तो इसकी हिफाजत कीजिएगा, इसको हिफाजत कीजिएगा, ताकि अपने बच्चों को सिखाइएगा, अपने बच्चों को याद कराइए कि बेटा हमारे नबी की नूर का ये हाल था, उसकी अजमत का ये आलम। छोटा बच्चा है, एक दिन सुन लेगा, दो दिन सुन लेगा, पूरी तकरीर ये याद हो जाएगी, और तो काम कितना आएगा। हजरत हव्वा आदम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक 500 मर्दों की पेशानी से ये नूर आया है। कितने मर्दों के? और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक 500 औरतों के पेट में होता हुआ ये नूर आया है। तो इधर 500 मर्द और उधर 500
औरत। अल्लाह अकबर और कबीरा, अल्लाह पाक ने ऐसा निजाम बनाया, ऐसा इंतजाम फरमाया कि उलमा ने लिखा है इन 500 मर्दों में कोई एक मर्द भी ऐसा ना था जिसने पूरी जिंदगी में कभी भी किसी औरत से जिना किया हो। फरमाया उलमा ने लिखा है हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक 500 औरतों की तादाद बनती है। उलमा ने लिखा है इन तमाम औरतों में कोई एक औरत ऐसी ना थी जिसकी नमाज तहज्जुद कजा हुई हो। कितना पाक नबी, कितना पाकीदा नबी, कितना अच्छा नबी, कितनी अजमत वाला नबी अल्लाह पाक ने हम सबको अता फरमाया। कैसा इंतजाम किया अल्लाह ने देखो। जबकि आप बताओ हजरत आदम से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक कैसा कैसा दौर गुजरा, ऐसा ऐसा दौर गुजरा कि जिना करने कराने को लोग फखर की बात समझते थे, लेकिन अल्लाह ने उन माओं को बचा कर रखा। क्यों? इसलिए कि उन माओं की नस्ल से मेरे आका के नूर को आना था। अगर कोई एक गलत माँ होती तो मुशरिकी ने मक्का ताना देते कि जा जा, अरे तेरा नूर तो नाजायज तरीके से आया, नहीं देते था। तो मेरे रब ने क्या किया, पाकीज़ा इंतजाम फरमाया कि मेरे नबी की नस्ल पर कोई उंगली ना उठाए, मेरे नबी के नस्ल पर कोई उंगली ना उठा सके। अब ये नूर आ गया हजरत अब्दुल्लाह तक। कहां कहां? और अब्दुल्लाह थे कहां? मक्के में। अब्दुल्लाह पहले से ही इतने खूबसूरत थे हजरत अब्दुल्लाह, इतने खूबसूरत कि अल्लाह की बना। और जब से ये नूर आ गया हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में, लिखा है कि पूरे अरब में कोई हजरत अब्दुल्लाह के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकता था। यही वजह है कि पूरे मक्के की लड़कियां मरने लगी और हर कोई चाहती थी कि अब्दुल्लाह हमसे शादी करे। अब्दुल्लाह हमसे शादी करे। जो मौजूदा जमाने में कोई धेड़नी भी अगर चाह लेना, नहीं निंकम पल्ली वाला वही चाहिए। और इसको कोई बोल दे कि रे फलानी जगह पे जो झाड़ू लगाती है ना, जब तू जा रहा था वो बहुत गौर से देख रही थी, अभी कुत्ते की तरह उसी के पीछे पीछे भागा फिरेगा, तुम हिलाता रहे। पूरे अरब की लड़कियां, पूरे मक्के की लड़कियां हर वक्त इंतजार में रहती थी कि काश अब्दुल्ला मेरी तरफ एक नजर दे तो ले। अब्दुल्ला कितना गुरूर हो गया, तुझे देखता भी नहीं। जाइए इधर दे दीजिए डायरेक्ट। देखो भाई ये ऐलान बगैर नाम के, ये ऐलान अब बगैर नाम के ऐलान का एतबार नहीं किया जाता। पता नहीं कौन लिख के भेजा है। तो सारा अरब और सारे मक्के की लड़कियां बस यही चाहती थी कि अब्दुल्ला
मुझे मिल जाए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला नजर उठाकर नहीं देखते थे, किसी को नहीं, किसी को। क्यों? मुसलमान थे, कुरान आया था, इस्लाम आया था, मौलाना की तकरीर सुनते थे, कुछ भी नहीं ना, तो बुतों की पूजा होती थी। ईमान नहीं, इस्लाम नहीं, कुरान नहीं, मगर अदब कितना है कि नज़र झुकाकर जाहिलियत के ज़माने में भी मक्के की किसी लड़की को देखना गवारा नहीं किया है। अल्लाह अकबर। अगर किसी को देख लिया होता, अब फिर उनकी नस्ल से मेरा नबी आता, तो मेरे नबी को लोग कितना ताना दे देता, सताता नहीं सताता, तेरा बाप ऐसा था, कहता नहीं कहता, देखा नहीं। जब 18 साल की उम्र हुई, कितनी, 18 साल की उम्र हुई, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, जो आपके अब्बा हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अब्दुल्ला जी अब्बा तैयार हो जाओ। ये नहीं कहा क्यों, कहाँ जाना है, हाँ अब्बा तैयार हो गया, कहा अब चलो, उंगली पकड़ी और लेकर के चले। उम्र कितनी है, और हमारा बेटा लोग तो 18 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बालिग ही नहीं हो रहा, दूध पी रहा है, 18 साल में अभी दूध पी रहा है। 25 साल के बाद गुंडा बाप से कहो कि भाई सरफराज बेटा तो 25 साल का हो गया ना, शादी क्यों नहीं करते हो, मौलाना अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, बच्चा है, कितने गुल खिला दिए तुम्हें पता ही नहीं, और अब तक बच्चा है। 18 साल था अब्दुल्ला, अब्बा ने उंगली पकड़ी, बेटा चल निकले। रास्ते में जाते जाते कहा, अब्बा कम से कम इतना तो बोल दीजिए ना कि कहाँ जा रहे हैं। कहा तेरी शादी कराने जा रहा हूं, तेरी शादी कराने जा रहा हूं। ये जो घर से निकले ना, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जो घर था वो खाने काबा के बाजू में था, तो उंगली पकड़ के जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जा रहे थे, तो बैतुल्लाह के अंदर एक जवान खूबसूरत लड़की बैठी थी, जो उस वक्त ईसाई थी। क्या थी वो, नाम था उसका कतीला। क्या नाम था, ये बहन थी बहुत बड़े आलिम की, जिसका नाम था वरका इब्ने नौफल, जिसका नाम बुखारी शरीफ के अंदर, वरका इब्ने नौफल की बहन थी, और बेपनाह खूबसूरत, फिर अरब की बेटी थी ना, अरब की बेटी थी ना, अरब का तो जानवर भी खूबसूरत होता है, इंसान तो छोड़ो, परिंदा भी वहां का खूबसूरत होता है। खुदा की कसम, रास्ते को देखोगे तो रास्तों में से हुस्न निकलता है, खूबसूरत रास्ता, खूबसूरत। करोड़ों रुपया खर्च करके हिंदुस्तान में तुम संगमरमर की बिल्डिंग बना लो, अल्लाह की कसम टावर को जो देखोगे, क्लॉथ टावर को, तो लगेगा कि दुनिया में कोई जन्नत का नमूना बन गया। एक एक इमारत मक्के की, मदीने की, लगता है उससे खूबसूरती निकल रही है, और क्यों ना निकले, जहां से मेरा नबी गुजरा हो, जिस शहर में मेरा नबी रहता हो। तो खूबसूरत लड़की थी कतीला, बैतुल्लाह में खाने काबा से चिपक कर बैठी हुई, और सामने से हजरत अब्दुल्ला गुजर रहे हैं, कतीला की नजर पड़ गई, आए हाय। और कतीला खुद भी आलिम थी, क्या थी है? जी, और इसने तौरात के अंदर पढ़ रखा था कि सारे नबियों के अखीर में एक नबी आएगा, और जिस नबी और जिसकी नस्ल से आएगा, उसके आने से पहले उस नबी का नूर उस
उसके बाप की पेशानी में होगा, उसका बाप जिससे मिलेगा नबी उसी के पेट से पैदा होगा। इसने पढ़ रखा था ना, तो हजरत अब्दुल्लाह को देखा कि ओहो ये पूरा लाइटिंग मार रहा है, क्या है, चमक रहा है, एकदम खूबसूरत। तो इसकी दिली तमन्ना थी कि अब्दुल्ला एक मरतबा हमसे मिल ले बस, ताकि मोहम्मद की अम्मा मैं बन जाऊं, नबी की मां, इस नबी के, इस उम्मत के नबी की अम्मा मैं बन जाऊं, बस ये तमन्ना। अल्लाह अकबर और कबीरा चीख कर कहने लगी अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला किधर जा रहे हो, जरा रुको, नजरें झुकाए, अब्दुल्ला चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं, पलट कर देखना तक गवारा नहीं। कहने लगी अब्दुल्ला जरा पलट कर तो देखो, जरा मुड़ कर तो देखो। और कहने लगी अब्दुल्ला एक मर्तबा हमसे मिल ले, बैतुल्ला की कसम 200 ऊंट गल्ला भर कर दूंगी। सोने चांदी से 200 ऊंट को भर दूंगा, एक मर्तबा मुलाकात कर ले। हजरत अब्दुल्ला का जवाब सुनो, हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ओ कतीला इससे बेहतर तो मौत है कि मैं बुराई करूं। बुराई से बेहतर क्या है? और हां अल्लाह से कहा करो कि अल्लाह जिना अगर हमसे होने वाला है तो मौला जिना करने से पहले मुझे मौत दे। क्यों? इसलिए कि हदीस में आता है कि जिस वक्त आदमी जिना करता है ना, उस वक्त वो मुसलमान नहीं होता। ला यज़नी ज़ानी व हुवा मोमिन, कि जब आदमी जिना करता है तो अल्लाह उसका ईमान निकाल कर अर्श पे उठा लेता है। ईमान निकाल कर अल्लाह अर्श पे उठा लेता है। जब वो जिना करके हटता है तब फिर अल्लाह ईमान उसका वापस कर देता है। लेकिन जरा अंदाजा लगाओ कि अगर उस हालत में मौत आ गई जब ईमान ऊपर हो, तो बताओ मुसलमान बन के मरोगे या काफिर बन के मरोगे? बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह की, खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इस गंदगी से कम अपने दामन को बचा लो मेरे भाई, एहसान हम पे करो, कम से कम ये काम तो कोई ना करो। बताओ ना, इतनी जितने लोग बैठे हो इसमें से कोई बंदा चाहेगा कि एक सेकंड के लिए भी हमारा ईमान चला जाए? कोई चाहेगा? लेकिन कायनात का सबसे सच्चा पैगंबर कह रहा है कि ला यज़नी ज़ानी व हुवा मोमिन, जिस वक्त तुम जिना करते हो तो मुसलमान नहीं रहते हो, अल्लाह तुम्हारा ईमान निकाल लेता है। जब तुम उस गंदी हरकत से हटते हो तब फिर ईमान तुम्हारा अल्लाह वापस करता है। अब जितना टाइम लगा जिना करने में उतनी देर तक हम ईमान वाले रहे नहीं, खुदा ना खास्ता अगर मौत आ जाती तो क्या होता? जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वजू कर लो, दरवाजा बंद करके पत्ती बंद कर दो, मुसल्ला बिछा कर अंधेरे में अल्लाह से दुआ करो, रो रो कर अल्लाह से कहो मेरे अल्लाह मुझे माफ कर, मेरे अल्लाह मुझे, अल्लाह जरूर माफ कर। तो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे के कतीला मैं शरीफ बाप का बेटा, शरीफ खानदान का बेटा, इससे पहले मेरी मौत आ जाए कि मैं कोई गुनाह काम करूं, मुझसे नहीं हो सकता।
बहरहाल चले गए मदीना, हजरत आमना से निकाह हो गया। तो हजरत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल, कितनी? आमना की नहीं पूछोगे, आमना की नहीं पूछोगे, आमना की उम्र 12 साल। कितनी? अब्दुल्ला की उम्र, या यूं कह लो कायनात के इमाम, नबियों के सरदार के अब्बा की उम्र 18 साल और अम्मा की उम्र 12, यानी अलग अलग रिवायत है 12 या 14, लेकिन 14 से ज्यादा नहीं। अब अपनी अपनी बेटियों का हिसाब कर लो, फिर मौलवी की बात दिल चाहे तो कबूल कर लो, वरना ठोकर मार दो, हमारा क्या जाता है। हम तो जब तक जिंदा हैं सही बात बोलते ही रहे, मानना ना मानना ये आपका काम। चौदह साल निकाह हो गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्लाह को छोड़कर चले आए। जो उस जमाने का रिवाज था, 3 दिन दूल्हा रहता था अपने ससुराल में। कितने दिन? हम लोग कितने दिन रहते हैं? 90% 90%। जब दिल में आया बस, और दिमाग खराब हुआ तो डिमांड शुरू, माँ से लेके आ, बाप से लेके आ, 20,000 लेके आ, 10 लाख लेके आ, जेवर मांग के ला, सब कुछ करें। ये क्यों हो रहा जानते हो? इसलिए कि हम लोग मर्द हैं ही नहीं, मर्द होते तो बीवी से नहीं आ मांगते। बीवी देने की चीज है, बीवी लेने की चीज नहीं है, याद रखो अच्छी तरह। बीवी को दिया जाता है, बीवी से लिया। हाँ, और सास ससुर ये माँ बाप की तरह होता है, तो माँ बाप से लिया नहीं जाता, माँ बाप को दिया जाता है। तो ओरिजिनल दामाद वो है जो सास ससुर को दे, ओरिजिनल शौहर वो है जो बीवी को दे, बीवी की ले नहीं। एक गले में सोने का हार बना करके नहीं देगा, 7 बच्चा पैदा हो गया मगर उस गरीब का सारा जेवर बेच दिया। मर्द है ही। ये मर्द है, ये लौटे हैं, वापस आए तो वो लड़की जो बैतुल्लाह में अब्दुल्ला को आवाज दी थी, वो बैठी हुई जिक्र अस्कार कर रही थी, कुछ पढ़ रही थी। हजरत अब्दुल्ला जब सामने से गुजरे, उस लड़की ने कोई तवज्जो ही नहीं दिया। क्यों? क्यों? देखो भूल गए ना, कहाँ चला गया? अब अब्दुल्ला नॉर्मल हो गए, पहले वाले अब्दुल्ला, उस लड़की ने कोई तवज्जो नहीं दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद खुद हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि कतीला, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे जानती ही नहीं, पहचानती नहीं। कतीला कहने लगी, खुदा की कसम बैतुल्लाह में खड़ी हूँ, मैं जानती नहीं कि तुम कौन हो, मैं जानती नहीं। कहा कि मैं वही हूं ना जिसे तुमने कल बुराई की दावत दी। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, वो नेक दिल लड़की कहने लगी, अब्दुल्ला तुमने मुझे गलत समझा, तुमने मुझे गलत ख्याल किया, रब्बे काबा की कसम मेरी हालत तो ये है, मैं जब से बालिग हुई मेरे बाप के सिवा, मेरे भाई के सिवा, मेरे घर वालों के सिवा, खुदा की कसम किसी गैर मर्द ने मेरे पाँव के नाखून ना देखे।
अब्दुल्ला तुमने मुझे गलत समझा, मेरी हालत तो ये है मैं गुसल करने के बाद बालों में कंघा भी नहीं करती हूँ कि कोई बाल टूटेगा, कुछ टूटे हुए बाल पे किसी गैर मर्द की नजर पड़ेगी। इस्लाम को जानती नहीं, कुरान को जानती नहीं, कलमा मालूम नहीं, मगर डर कितना है, तकवा कितना है। आज जरा मार्केट में जाकर देखो, मुसलमान की औरतें चेहरा खोले हुई, बाल बिखरा हुआ, काफिरों के सामने सौदे खरीदती है। कलमे वाली है, कुरान वाली है, सर से दुपट्टा उजड़ा हुआ है, बीच मार्केट के अंदर केला खा रही है, सेब खा रही है, बाल बिखरे, हाथ में मेहंदी, पांव में मेहंदी। खुदा की कसम, मैं मुसलमानों समझ जाओ, अपनी बीवी अपनी बेटियों को सुधारो। ये हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती चीज हुआ करती है औरतों को, तुम जानते नहीं। हीरे मोती से ज्यादा इसकी हिफाजत किया करो औरतों की। गैर मर्दों के हाथ में हाथ डालकर चूड़ी पहन रही है, आहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम शौहर होकर के वहीं पे खड़े हो और तुम्हारी बीवी के हाथ को एक काफिर अपने हाथ में लेकर के दबाता है, तुम जानते हो वो क्या हरकत कर रहा है? तुम समझते हो मेरी बीवी चूड़ी पहन रही है? कब अकल आए, कब होश में आओ? बीवी अल्लाह ने तुम्हें देखने के लिए बनाया है, तुम जिस तरह चाहो देखो, तुम जैसे चाहो रहो, गैरों के लिए बीवियां नहीं होती। कतीला कहने लगी, फरमाने लगी, अगर तू वही आदमी हो जो कल जा रहे थे, तो कहने लगी फिर सुनो, जाओ पलट कर जाओ, उस औरत को मेरी तरफ से वेलकम कहो, मुबारकबाद दे दो, खुशखबरी सुनाओ कि उसके पेट से आखिरी पैगंबर आएगा। जाओ मुबारकबाद दे दो, मेरी लालच ये थी, मेरी तमन्ना ये थी, मेरा शौक ये था, मेरा अरमान ये था कि मैं उस आखिरी पैगंबर की अम्मा बनूं। अब हालत ये है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, मुझे क्या पता है। तीन बज गया, कितना कितना तीन बज गया। अब कम से कम मैं समझता हूं, कहां गया उस्मान बाबू? अब सेहरी का टाइम भी बेचारे का लंबा चौड़ा सेहरी का मसला है, फिर पूरा सेहरी खत्म हो जाए, इसलिए इस मसले को यहीं पे छोड़ो, इंशाल्लाह आइंदा आएंगे तो इससे आगे सुनेंगे इंशाल्लाह, है नहीं? बोलो भाई। पहला तो मेरे आका जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मा के शिकम में गए, शुरुआत हुई, और हदीस में लिखा है वो पहली रात थी जब हजरत अब्दुल्लाह, वो पहली रात थी जब हजरत अब्दुल्लाह की मुलाकात हजरत आमना से हुई, और जब सुबह हुई ना, क्या हुई? जब सुबह हुई
तो अबू जहल गाय पाले हुआ था दूध के लिए, क्या पाला था? अबू लहब भैंस पाले हुआ था। जो भी बड़ा बड़ा मक्के का सरदार था ना मुशरिक, वो सब अपने अपने दरवाजे पे जानवर पाले हुआ था। देखो गौर से सुनना, पॉइंट नोट करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इधर हजरत अब्दुल्ला की पहली रात है, मुलाकात हुई है, और उधर जितना जानवर मुशरिकों के दरवाजे में बढ़ा था, सारा जानवर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ओ लोगो मक्का वालों होशियार हो जाओ, तुम्हारी बुतों की गर्दन तोड़ने वाला अब आएगा। मेरे ख्याल से समझ गए सब, सब समझ गए या फिर समझाओ? समझ गए ना क्या कहना चाह रहा था जानवर, कि तुम्हारे बुतों की दुर्गत करने वाला और तुम्हारे 360 खुदाओं को खत्म करने वाला नबी आमना के गोद में अब आने वाला है। इब्तिदा हो चुकी है, इब्तिदा सुबह हुई, बड़े बड़े मुशरिकीन मक्का खाने काबा में जो बुत रखे हुए थे, लात उज्जा मनात यऊब यऊस, ये सब नाम था उनके बुतों का। क्या नाम था? क्या नाम था? जैसे आप लोग नाम रखते हो ना, पीर बख्तियार, बाबा फखरुद्दीन, छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा, दादा की पहाड़ी, फलाना ढेगा, वो लोग भी रखता था, वहीं से तो चला है, अम्मा जान बाबा जान ये सब वहीं से ट्रांसफर हुआ है। थोड़ी चेंजिंग के साथ हम लोग भी नाम रख लें। पीर बख्तियार का झाड़ कर, वीर बख्तियार का वहां जिसकी शादी नहीं हो रही हो उसको दूल्हा मिल रहा है, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसको वहां बच्चा मिल रहा है, जो बीमार है उसको वहां शिफा मिल रही है। वाह सुभान माशाल्लाह। अब कटनम वटनम देने की जरूरत नहीं है, पीर बख्तियार की झाड़ पे जाओ दामाद उठा के लाओ। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। कुरान वाले, ईमान वाले, इस्लाम वाले, मस्जिद वाले, मिंबर वाले, मेहराब वाले, उलमा वाले, ये गलती हरकत। कहता क्या है मौलाना, हमारी बीवी से हम हार जाते हैं, तो बीवी का चूड़ी पहन लो, उसकी बंगड़ी डाल दो हाथ में, जब बीवी कंट्रोल में नहीं है तो क्या करेगा, मर्द कहेगा। अरे जिसकी बीवी कंट्रोल में ना हो वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं है। अल्लाह को ये जवाब नहीं दे पाओ, अल्लाह पहले तुम्हारी गर्दन को तोड़ेगा कि तुझे हमने दारोगा बनाया था औरत के ऊपर, ये शिर्क का काम कैसे किया, उसके बाद बीवी का हिसाब किताब होगा। वहां ये नहीं कहोगे बीवी पे हमारा कंट्रोल नहीं चलता था, रोटी जला दे तो पिटाई करता था, खाना गीला कर दे तो मारता था, कब्र की पूजा करने गया तो हमारा नहीं चलता था वासा, नमाज नहीं पढ़ती है तो हमारा नहीं चलता था वासा। तो मुशरिकीन मक्का ने भी पाल रखा था लात उज्जा मनात यऊस, कुरान में सबका नाम। ये जो सुबह सुबह गया ना पूजा करने, कहां बैतुल्ला में 360 बुत रखा हुआ था साहब, कितना 360 बुत रखा हुआ था। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर में भी बुत रखा है, समझ में आ रही बात? ई भाई किसका फोटो है, तो ये केरला वाले बाबा के मजार की तस्वीर है, ये बुत नहीं है, ये बुत नहीं है। सुबह सुबह मेन रोड के ऊपर नींबू फूटा हुआ दिख रहा होगा, भाई ये किसने फोड़ा? वो अब्दुल्ला बेचारा लारी लेके जा रहा था ना कहीं नागपुर के लिए, उसने चाट इसके ऊपर से गुजारा, ये शिर्क नहीं है,
ये शिर्क नहीं। क्या जवाब दोगे अल्लाह? गलत बात है मेरे भाई। कट्टर ईमान वाले बनो। कैसे? कट्टर ईमान वाले बनो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जाना है। अच्छा भाई देखो, जब खत्म आ जाओ, आइए आइए भाई। देखो जिन जिन लोगों को जाना है मैं दो मिनट के लिए रुक रहा हूँ, जाइए, मगर बीच से मत छूटो, मैं अल्लाह का वास्ता देंगे, बीच से मत। देखो मैं भूल गया क्या बोल रहा था। ये होता है उठ बैठ करने की भी वजह से। हाँ, तो कैसे बनो? कट्टर। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने की वालदा ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को वाकया सुनाया। क्या वाकया? कहा कि बेटा जब कुछ पैदा हुआ था ना, छोटा सा था। क्या था? छोटा सा था। तो देवबंद के इलाके में एक जिन्नात का सरदार रहता था जिसका नाम था अल्लाह बख्श जिन। बहुत बड़ा जिन्नात था। ये तो सही बात है ना? है, इस मस्जिद में भी कोई मेरा बयान सुन रहा होगा, लेकिन क्या कर लेगा वो? मेरा करेगा क्या होगा? मेरा कुछ बिगाड़ लेगा? मैं हाफिज कुरान, इमामुल अंबिया की उम्मत, नबी की हदीस सीने में, अल्लाह का कुरान सीने में, तो ये अल्लाह बख्श हो या पीर साहब हो, भला क्या कर लेगा हमारा? आदमी की तरह सुनेगा, शरारत करेगा, मार खाएगा, सीधी बात। तो क्या बनना है? मौलाना की वालदा ने कहा कि अल्लाह बख्श नाम का एक जिन्नात इस इलाके में रहता है और लोगों को इतना डरा रखा है उसने, इतना डरा रखा है कि हर जुमेरात को लोग जाकर उसके नाम पर चिराग जलाते हैं। तो कहती हैं कि एक मर्तबा मेरे पास आया था रात में, उसे आया और कहने लगा कि ओ बीबी साहिबा सुनो, तुम बहुत बदमाशी कर रही हो। कहा क्या? कहा कि मेरे नाम पे चिराग जलाने फलानी जगह क्यों नहीं आती हो तुम? कहा मैं तो नहीं आती। मैं तो उसने इशारा किया अल्लाह बख्श ने जिन ने कि ये जो तुम्हारा बच्चा लेटा हुआ है ना, इसको जान से मार दूंगा, याद रख, जान से। अल्लाह की वली कहने लगी एक ही जान तो है, ले ले, मगर शिर्क नहीं कर सकती। ले ले मगर शेर। जब अम्मा इतनी निडर हो, अल्लाह की तौहीद पर इतना पक्का ईमान हो, तो बेटा हुसैन अहमद मदनी पैदा होता है जो 17 साल तक नबी की कब्र के पास बैठकर हदीस पढ़ाता है। और जब अम्मा पीर बख्तियार के झाड़ को चूसेगी, चाटेगी, तो बेटा तो ओरिजिनल देवानंद पैदा होगा ना। तौहीद को मजबूत रखो, ईमान को मजबूत। ये जो गया पूजा करने के लिए सुबह सुबह सब 360 कंकर के खुदा, तो देखा कि ओहो जितना खुदा खड़ा था सब सजदे में गिरा हुआ है, टूट के एक भी खड़ा नहीं, सारा बुत मुंह के बल गिरा हुआ है। अल्लाहु अकबर। मुशरिकीन मक्का ने बुतों पे यूं सहारा दिया, खड़ा करने लगा, सबसे बड़े बुत को अबू जहल ने खड़ा किया है। अबू जहल को वो बुत कहने लगा, ओ अबू जहल चला जा। अल्लाह पाक ने बुतों को आवाज दे दिया, सारा बुत कहने लगा, अरे कब तक खड़ा करेगा,
मुझे तोड़ने वाला आ गया। मुझे अब कोई नहीं बचा पाएगा, मेरा टुकड़ा टुकड़ा होना है, मुझे बचाने वाला अब कोई नहीं। खुद बोलना, ये मोजेजा है किसका? अभी मेरे नबी की उम्र एक दिन भी नहीं हुई, एक घंटा हुआ, कहां वो भी अम्मा के पेट में। कहां? अम्मा के पेट में। और सुनो, जब भी कोई बच्चा औरत के पेट में शुरू होता है ना, तो औरत को तरह तरह की तकलीफ होती है। पहला बच्चा जब मां के पेट में शुरू होता है ना, तो अलग अलग तरीके की तकलीफ होती है। किसी के नाक की खुशबू खत्म हो जाती है, हर चीज में बदबू लगती है। किसी औरत को बार बार उल्टी आती है, किसी औरत बेचारी को बार बार सर में चक्कर आता है, किसी औरत का हाथ पांव आग की तरह जलता है, अलग अलग तकलीफ होती है। हजरत आमना कहती हैं, अल्लाह की कसम 5 महीने तक मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पेट में कोई बच्चा गया। नबी है ना, अम्मा को तकलीफ देगा? नबी अम्मा को तकलीफ देगा? पता नहीं। आमना, फिर कब पता चला, कैसे पता चला? कहती हैं कि मैं सो रही थी और सुबह शादी का वक्त था कि एक फरिश्ते ने आकर के जन्नत के फूलों का हार यूं लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, आमना मुबारक हो, मुबारक, तू दुनिया के इंसानों के सरदार की अम्मा बनने वाली है। सारे इंसान के सरदार की अम्मा बनने वाली हो, फरमाती हैं, तब मुझे पता चला कि मेरे पेट में कोई है। और आगे बहुत बड़ी बात हजरत आमना कहती हैं, हजरत आमना कहती हैं, जब बच्चा ये मेरे पेट में था, जब मेरे पेट में ये बच्चा था, मैं जब जरूरत के लिए जब जंगल जाया करती थी, तो पहाड़ का पत्थर लुढ़क लुढ़क कर मेरे कदमों को चूमता था और पत्थर कहता था, आमना मुबारक हो। हर पत्थर मुबारकबाद देता, पांव को चूमता, फिर अपनी जगह चला जाता, कंकर उड़ कर मुबारकबाद देता था, आमिना मुबारक हो। और इससे बड़ी बात हजरत आमना कहती है, जब तक ये बच्चा मेरे पेट में रहा, मैं कयामत के धूप में निकला करती थी, मगर खुदा की कसम कभी ऐसा ना हुआ जब बादल मेरे साथ साथ सर पे ना चल रहा हो। बादल मेरे सर पे साया करके चलता था कि आमना को धूप ना लगे। आमना कहती है, अरे मैं तो वही आमना पहले भी थी, पहले कभी ना हुआ, अब क्यों होता है? कहती है कि तभी मैं समझ गई कि कोई मुबारक बच्चा मेरे पेट में परवरिश पा रहा है। हाँ। कहां तक दास्तान सुनोगे, कहां तक मैं अजमत मुस्तफा को बयान करूं, कहां तक मैं शान मुस्तफा के वादी में तुम्हें लेकर के चलूं, कहां तक मैं अपने पैगंबर की सीरत तुम्हें समझाऊं। पहले जो जमजम था, नहीं जमजम का कुआं, वो खुला हुआ था। अब पूरे मक्के के अंदर
वो एक ही कुआं था जहां से हर घर में लोग बाल्टी से पानी पकड़ पकड़ कर ले जाते थे अपने घर के लिए। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं जिसको यहाँ बोरी कहते हैं कि क्या कहते हैं, बोरी कहते हैं नहीं। तो पहले जमाने में एक यहाँ तो एक हिंदूपुर में होता था, लोग वहां से पीने का ठंडा पानी पकड़ पकड़ के घरों में ला करके रखा करते थे। तो पूरे मक्के वालों के लिए एक ही कुआं था और जमजम का पानी उस जमाने में भी और आज भी तकरीबन 800 फीट नीचे है। आज भी मशीन लगा हुआ है जिसके जरिए से पानी खींचा जाता है, तो 800 फीट आज भी नीचे है। और उस जमाने में तो लोग रस्सी डालकर डोल से पानी खींचा करते थे। अब सोचो कि एक बाल्टी पानी में कितना टाइम लगता होगा। लेकिन अजीब बात यह है, हजरत आमना कहती हैं, जब से ये बच्चा मेरे शिकम में आया, ये बच्चा मेरे पेट में परवरिश पाने लगा, मैं जमजम के कुएं पे जाकर खड़ी होती हूँ और पूरा पानी खुद ब खुद ऊपर चला आता है। मैं आराम से पानी पकड़ लेती हूँ, जब उठकर चलने लगती हूँ तो सारी औरतें मुझे पकड़ कर बैठाती है, आमिना ना जाओ, तुम चली जाओगी, पानी फिर नीचे चला जाएगा। ये किसका कमाल है बोलो, किसका कमाल है? अभी दुनिया में मेरा नबी आया नहीं, पत्थर को प्यार हो गया। बोलो ना, कब्रिस्तान में बैठे हो क्या? सुभान अल्लाह बोलने में क्या शर्म है भाई? अभी दुनिया में आया नहीं मगर पत्थर को प्यार हो गया, लव हो गया। तो लुढ़क लुढ़क कर आता है और आमना के कदमों को छूम कर कहता है, आमना मुबारक हो, अल्लाह का महबूब आ रहा, अभी दुनिया में आया नहीं, बादल को प्यार हो गया। तो बादल हजरत आमना के सर पे यूं साया करके चल रहा है, अभी दुनिया में आया नहीं, जमजम को प्यार हो गया। आए अभी आए नहीं लेकिन पानी उछल कर ऊपर आ रहा है। एकाश आमना का दुर्रे यतीम नजर आ जाए। पत्थर को प्यार हो गया आने से पहले, बादल को प्यार हो गया आने से पहले। और हजरत अली का फरमान सुनो, कहते हैं कि खुदा की कसम कभी ऐसा ना हुआ कि मेरा महबूब दुनिया में आया हो, रास्ता चला हो और दरख्त की पत्तियों ने आपके सरों पे साया ना किया। आया नहीं पत्थर को प्यार, बोलो हो गया, पानी को प्यार, दरख्तों को प्यार, बादल को प्यार।